ऐश आने वाला है पोकेमोन होराइजन सीरीज़ के बिल्कुल एंड में और देने वाला है सभी को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। तो यार यहाँ पे पोकेमोन होराइजन जो सीरीज़ चल रही है, यहाँ पे मेरे पास यार एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया था कि यार इसमें एक चीज़ हो सकती है जिससे हमें हो सकता है एंड में यार ऐश का रिटर्न देखने मिले, जो कि बहुत ज़्यादा धमाकेदार हो। अब वो क्या होगा सब मैं तुम्हें बताता हूँ, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अगर पसंद आती है। तो अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। अब यार वो जो बहुत बड़ी लीक आई थी जहाँ पर हमें यह पता चला था कि ऐश और जो लीक हुआ है इनका यूनिवर्स सेम, मैं वहीं पे यार एक और चीज रिवील हुई थी कि यहां पे यार जो एनिमे रहेगा पोकेमोन होराइजंस, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक टाइम स्किप हमको देखने मिलने वाला है। यानी कि हम लोग यार कुछ साल बाद का सीन देखेंगे जहां पे हमें लीको और रॉय भी बड़े हुए तो दिखाई जाएंगे, यानी कि उनकी जो एज है वो बढ़ जाएगी, उनका कैरेक्टर डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे पोकेमोन होराइजंस में एक बहुत बड़ा टाइम स्किप भी आएगा आगे जाके, जहाँ पे यार वो लोग की एज भी हमें बड़ी हुई दिखाई जाएगी। तो मुझे यार काफ़ी हद तक लग रहा है कि यार इतने टाइम बाद यहाँ पे जब ये टाइम स्किप वगैरह हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है एंड के करीब पर ही होगा, तो वहीं पर यार हमें ऐश भी देखने मिल सकता है उसके यार एक बड़े वाले एज के कैरेक्टर में। यानी कि हो सकता है हमें यहाँ पे एक अडल्ट ऐश दिखाया जाए यार उस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि यार ऐसा भी एक लीक था कि यार यहाँ पे हमें कोई ना कोई एक कैरेक्टर भी दिखाने वाले हैं सीरीज़ के अंदर रिटर्न, जो कि यार अपने बड़े वाले फॉर्म में होगा, यानी कि उसकी एज भी बढ़ाई जाएगी। तो प्रोबेबली यार वो इसी वाले टाइम पर होगा जहाँ पर लीको और रॉय की भी एज यार जो है बढ़ेगी, और वहीं पर हम हो सकता है किसी पुराने कैरेक्टर को देखें जिसकी एज भी बड़ी हो, और क्या पता यार वो पुराना कैरेक्टर ऐश निकले। भाई अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे वैसे एक चीज़ है, क्या तुम्हें पता है लीको की जो एज है वो 13 साल है यहाँ पे सीरीज़ के अंदर, और ऐश तो हमें कभी 10 साल से ऊपर दिखाया ही नहीं गया। यानी क्या इसका मतलब यार ऐश लीको से छोटा है, जो कि यार एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है भाई सही में। पोकेमोन वालों को यार ऐश की एज डेफिनेटली यार बढ़ानी चाहिए, ये बहुत ही अजीब लगता है कि एक कोई नया करेक्टर है लिटरली क्योंकि ऐश से बड़ा है एज में यार, मतलब एनिमे के हिसाब से देखें, क्योंकि ऐश की एज तो कभी 10 साल से बड़ी नहीं है भाई आज तक। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी बेकार है यार, हमें डेफिनेटली अभी यार ज़रूरत है कि हमें आगे जाके अब एक ऐश का बड़ा वाला फॉर्म दिखाया जाए। और मेरे को लगता है जो नेक्स्ट सीरीज़ होती है यार, जहाँ पे एक नई सीरीज़ बनाई जाए ऐश के साथ, उसमें भी डेफिनेटली हमें एक बड़ा ऐश दिखाया जाए यार। ऐश को 10 साल का अब नहीं रखना चाहिए, उसकी एज अब डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। और यार यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है मुझे लगता है कि यार पोकेमोन होराइजंस के एंड में यहाँ पे ऐश का रिटर्न हमें दिखाया जाए, वो भी उसके बड़े वाले फॉर्म में, जो कि सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर ऐसा होता है तो। और यार यहाँ पे तुम एक बार यार ये वाला जो आर्ट स्टाइल है वो देखो, मतलब ऐश का ये जो फैन आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पोकेमोन होराइजंस का यार जो आर्ट स्टाइल है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है ये वाला लुक ऐश पे बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐश पोकेमोन होराइजंस में आता है तो। और वैसे भी यार ऐश पे वो जो शॉर्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं लगते भाई, उसमें थोड़ा बच्चा सा लगता है ऐश। मेरे हिसाब से ऐश को ऐसा वाला लुक देना चाहिए, वो ज़्यादा मैच्योर और बढ़िया लगता है। तो तुम्हें यार ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, काफ़ी मस्त फैन आर्ट बनाया भाई सही में। और वैसे यार ऐश के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, वो जो लीक हुआ था यार काफ़ी ख़तरनाक पोकेमोन का, वहाँ पे यार हमें पता नहीं क्यों बट ब्रॉक और आयरस की भी इमेज देखने मिली थी, जो कि अब वहाँ पे ऐसे ही थी बस टाइम पास के लिए, या फिर उसका कुछ मतलब है किसी को भी ये बारे में तो आइडिया नहीं है। अब यार पता नहीं, तुम लोग शायद मान सकते हो कि इनका भी कुछ रिलेशन है, और अगर ऐसा होता है कि ब्रॉक और आयरस में से भी हमें देखने मिलने वाला है कोई यहाँ पे, या फिर दोनों ही, क्योंकि इमेज तो वहाँ पे दोनों की थी, बट क्यों है वो किसी को भी आइडिया नहीं है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है यार तुम लोग कॉमेंट के अंदर भी बता सकते हो, और तुम्हें चाहिए कि नहीं यार ऐश ब्रॉक और आयरस तीनों आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत मज़ा आएगा, या फिर अगर ओजी गैंग आ जाए यार ऐश ब्रॉक और मिस्टी तो भाई सबसे बेस्ट है सही में। बाकी हाँ यही थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और फाइनली अब मैं पक्का यार, मैं 10,000वीं बार बोल रहा हूँ लेकिन ये चीज़, लेकिन इस बार मैं एकदम सच और पक्का बोल रहा हूँ, अब से मैं डेली वीडियो डालूंगा भाई बिल्कुल पक्का। तो हाँ लाइक कर देना, मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।